तो जिंदगी जीने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है एज एन आर्टिस्ट हिस्ट्री ऑफ आर्ट में टॉप किया था उर्दू में टॉप किया था <laughs> क्योंकि आर्ट की सीन में ओलंपिक्स करने का आज तक किसी ने सोचा नहीं <laughs> तो अगर आपको याद हो विक्स की गले की खिचकिच वाला एड कैनविन एपल का एड ये सब एड्स एनी टोन्स में बने थे करना तो मैं पेंटिंग चाहती थी जी। पर आ, मैंने अप्लाइड लिया उनको शायद अच्छा लगा कि मैं बहुत पैशनेट हूँ कॉलेज के थर्ड ईयर में शादी हुई मेरी आपको उन्होंने बोला कि भाई ये दो पास नहीं हुए ये पास हुआ है और वो तीनों को यूज कर रहे हैं मेरी पेंटिंग इतनी खूबसूरत हो कि लोग ना देखे मुझे मतलब स्केचिंग तो करनी चाहिए वो मत वो मैंने तछोड़ कभी नहीं छोड़ी दैट इज A more positive experience rather than उनको placements हैं। हर एक बच्चे की जॉब लगती है तब तो नहीं लगती, तब तो वो से नहीं मैंने सिर्फ पेंट करने के लिए पेंट करना स्टार्ट किया okay. पेंटिंग तो कभी प्रोफेशन था ही नहीं मेरा hmm. हमेशा से मैं चाहती थी कि आर्ट पे कोई प्रॉडकास्ट क्यों नहीं कर तो अभी कर रहे हैं तो भी उनको सपोर्ट करो स्वागत है आपका दी आर्टिस्ट पॉडकास्ट में पावर्ड बाय आर्ट स्टूडियो मैं आपका होस्ट करणवीर आज जिस कलाकार से हम आपको मिलवाने वाले हैं उनके लिए मुझे साजिद प्रेमी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि फूल ही फूल याद आते होंगे फूल ही फूल याद आते होंगे आप जब मुस्कुराते होंगे फूलों को अपनी पेंटिंग में एक नई उम्र अता करने वाली आर्टिस्ट मेघा कपूर कैसे मैम आप मोहन बढ़िया आज यहाँ पर आगे बहुत अच्छा लग रहा है आपका स्टूडियो देख के आपके काम एकदम सामने खुद देख के नॉट डिजिटल मीडिया सामने देख के लग रहा है कि हाँ वो जो फ्रीडम आप कलर्स में देते हो वो कितनी ज्यादा अच्छी होती है देख के मजा आ रहा है आपके काम को थैंक यू मैं बड़ा खुश हूँ शुक्रिया मैम आप आर्ट की फील्ड में आए कैसे ड्राइंग uh, तो शुरू से कर रही थी बचपन से काम कर रही थी uh, मुझे याद है कि कुछ एट्थ क्लास में मुझे राजीव गांधी गोल्ड मेडल मिला था नरसिम्हा राव जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अच्छा उनके हाथ से और uh, स्कूल में हमारी आर्ट टीचर बहुत अच्छी थी काफ़ी इंकरेज करती थी ड्राइंग के साथ साथ क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी तो साइंस फील्ड में आ गई पहले क्या और नॉन मेडिकल ले लिया और uh, सोचा कि इंजीनियरिंग uh, करेंगे इंजीनियर इंजि बनेंगे पर जब इंजीनियरिंग करने का टाइम आया तो उस समय कुछ घर की सिचुएशन ठीक नहीं थी और मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया ठीक है और उसके बाद फिर आ, कुछ टाइम के बाद मुझे फर्स्ट ईयर में ही थी मैं अपने कॉलेज के तो मुझे पता लगा कॉलेज ऑफ आर्ट और जामिया के बारे में कॉलेज आपने शुरू कर दिया है मैंने आप शुरू आप कर, कर, कर दिया था जी हाँ जी। क्योंकि स्कूल के अंदर उस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि और जो आर्ट टीचर थी उनको भी लगा कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट है साइंस ली है तो ये आगे में आगे साइंस साइंस में में ही जाएगी तो उसके बाद फिर आ, कुछ ऐसा हुआ कि घर में कोई आया जिन्होंने हमारी पेंटिंग्स देखी मेरी मासी की एक फ्रेंड थी जी। और मुझे इस चीज के बारे में बताया अरे और मैंने सोचा कि मैं तैयारी करूंगी वो भी आर्टिस्ट ईयर नहीं वो आर्टिस्ट नहीं है उनको पता था पर उन्हें पता था तो उन्होंने कहा ये कौन इतनी टैलेंटेड लड़की है तो क्यों इसको और केमिस्ट्री ऑनर्स में क्या कर रही है आर्टिस्ट तो हाँ तो फिर उनके थ्रू मुझे पता लगा और आ, मैंने नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिया और कॉलेज ऑफ आर्ट में तो नहीं हुआ आ, क्योंकि उस समय आई थिंक मुझे याद है जहां तक कि एज कोई गैप नहीं होता था मतलब एज, एज नहीं था टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड वन में टू में तो कोई एज बैरियर नहीं था शायद उससे दो चार साल बाद ही स्टार्ट हो गया था जी। तो मेरे साथ में जो अपियर कर रहे थे लोग वो काफी बड़े बड़े थे कोई फिफ्टी ईयर्स के कोई किसी का अपना इंस्टीट्यूट है ऑफकोर्स uh, दुख हुआ शुरू में पर जामिया में तीनों में हो गया मेरा अप्लाइड पेंटिंग और आर्ट एजुकेशन में और फिर मैंने जामिया स्टार्ट कर दिया और ऐसे फिर uh, करना तो मैं पेंटिंग चाहती थी हाउ <laughs> लाइक <थी। laughs> करना तो मैं पेंटिंग चाहती थी जी। पर मैंने अप्लाइड लिया uh, मेरी एक सीनियर थी जिन्होंने मुझे कहा कि देखो अगर तुम पेंटिंग में अच्छी हो तो पेंटिंग तो तुम कर ही लोगी अच्छा लेकिन अपने काम को अगर तुम जॉब या अगर कमर्शियल फील्ड में जाती हो तो दोनों चीजें अगर सीख जाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा दोनों और मुझे काफी अच्छा लगा उनका ये सजेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मैंने अप्लाइड सीखिया क्योंकि पेंट मैं आज भी कर रही हूँ बिल्कुल लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को इस डायरेक्शन में लेके जा पाई अ, मेरे स्टूडेंट्स आज दुनिया के सभी बड़े ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं

दिलशाद उन्होंने मुझे सिखाया था लेकिन सर उस समय एनिमेशन फिल्म्स भी बनाते थे और एनिमेशन के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते थे क्या बात है? तो जो एनिमेशन के स्टूडेंट्स जब काम करते थे तो उनके साथ मैं वन मिनट स्केचेस जेस्चर ड्राइंग्स मैंने कॉलेज जाने से पहले ही करना स्टार्ट कर दिया था क्या तो हम वन मिनट स्केचेस करते थे और टू मिनट स्केचेस जेस्टर ड्रॉइंग और आ, किस किस तरीके से आप एक ही एंगल से मतलब एक इंसान खड़ा है फिर वो फ्रंट से कैसा लग रहा है थोड़ा सा घूम गया कैसा लग रहा है घूम गया कैसा लग रहा तो हम स्केचिंग भी इस तरीके से किया करते थे सर इस तरीके से उन्हें स्केच करवाया करते थे तो मैं वो सारी चीजें देखती थी ऑब्जर्व करती थी और बस फिर उनको शायद अच्छा लगा की मैं बहुत पैशनेट हूँ उन्होंने आप कॉलेज में गए मैं कॉलेज में गई मेरा कॉलेज में एंट्रेंस क्लियर हो गया और उसके बाद भी एनी टोन्स आती रही उनके साथ ही मैंने कुछ फिल्म्स पे काम किया प्रोजेक्ट्स पे काम किया इन बिटवींस क्लीन अप्स क्योंकि शौक था मुझे बहुत ज़्यादा uh, बहुत फैसिनेट हो गई थी एनिमेशन एज ए मीडियम एनिमेशन बहुत ही खूबसूरत है आप अपनी ड्रॉइंग को चलते हुए देख रहे हो टीवी स्क्रीन पे उसका मजा ही बहुत अलग होता है बहुत बहुत नई चीज भी होगी ये शायद। तो अगर आपको याद हो विक्स की गली की बने थे सर नहीं बनाए हुए सर ने बनाए थे उनकी टीम के साथ तो एनिमेटिक्स किए उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड के लिए बहुत सारे एनिमेटिक्स किए यूनिसेफ के लिए एक फिल्म बनाई थी ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरे सामने ही हुए सुप्रीमो बिस्किट्स का एड बहुत सारे तो बहुत प्रोजेक्ट्स आते थे टोन्स प्रोडक्शंस भी था तो न? एक साइड में प्रोडक्शंस था एक साइड में इंस्टीट्यूट था और एक साथ ही था तो प्रोडक्शन टीम साइड में बैठा करती थी न? और मैं जब कॉलेज में एंटर भी कर गई तो भी मैं सेकेंड ईयर में भी थर्ड ईयर में भी बीच बीच में से प्रोजेक्ट्स होते थे फिर सर ने कहाँ से सीखा था ये एनिमेशन सर कॉलेज के बाद पिक्सल इंडिया प्रोडक्शंस ज्वाइन किया था उन्होंने अच्छा। पिक्सल इंडिया प्रोडक्शंस में उनके एक गुरु थे और आ, उनके उनके सर के साथ ही उन्होंने स्टार्ट किया काम करना और फिर इसी तरीके से सीखा तो कॉलेज आपने पहले बैचलर कम्प्लीट करी जामिया से जी और मास्टर्स भी वहीं से करी फिर आपने आ, नहीं मास्टर्स मैंने वहाँ से नहीं करी थी मास्टर्स मैंने बहुत लेट करी है अरुणाचल यूनिवर्सिटी से आप इन गैप इतना क्योंकि बैचलर्स में ही कॉलेज के थर्ड ईयर में शादी हो गई मेरी कॉलेज के साथ साथ में क्या बन रहा क्योंकि सर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे और उनको बस ऐसा लगा कि यार इतना अच्छा काम है और हम एक और एक ग्यारह हो सकते हैं बिल्कुल अगर साथ में होगी तो बहुत कुछ कर पाएंगे और फिर मैंने ऑल दो मैं इस चीज के हक हाँ में नहीं थी नहीं। मैं नहीं चाहती थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एम्बिश थी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मैंने टॉप किया था ली थी। जो डेस्टिन था बट मैं, मैं जानती थी कि, sort of a, आप कह सकते हो कि इट वॉज कम अरेंज मतलब उनकी उनके फादर और वो खुद चाहते थे तो उन्होंने पेरेंट्स से बात करी और मुझे हमेशा यही था कि मैं फोर्थ ईयर के बाद शादी करूं पर आ, पर हो गया ऐसा तो आप कुछ नहीं कर सकते तो <laughs> कैसा रहा वो संभालना क्योंकि आप थर्ड ईयर कंप्लीट किया उसके बाद फोर्थ ईयर अभी बचा है जो मेन है हाँ शादी के बाद उसको हैंडल करना तो थोड़ा डिफिकल्ट था ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत आसान था जी पर चैलेंजिंग था और फिर कुछ टाइम के बाद जब आप वो उस आ, फेज को निकाल लेते हो जी तो आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड होता है क्या बात और मुझे लगता है कि इनिशियली उस समय तो काफी डिफिकल्ट था डेजिटेशन करना है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट्स के लिए हमें पूरा पूरा दिन बाहर जाना होता था जी मैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ स्टूडियो में खुद आ, मतलब हम प्रिंट करते थे खुद निकालते थे जामिया में लैब किया कर सिखाते थे जैसे हाँ। वाले बच्चों को भी। वाले बच्चों को तो हम लोग खुद मैंने खुद डेवलप किया है प्रिंस आ, हमारे साथ में आ, वहाँ पे स्टूडियो में होते थे लोग होते थे जो हेल्प करने के लिए होते थे और खुद स्टूडियो के अंदर रोल चढ़ाना सब काम करना काफी मजेदार होता बहुत मज़ा कि, है बहुत मजा आता है कितना सही है एग्जैक्टली है ना क्योंकि देखो आप आर्ट क्यों कर रहे हो उसको अप्लाई करने के लिए जिंदगी में बिल्कुल एप्लीकेशन ऑफ आर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और मुझे लगता है अगर हम आर्ट को सिर्फ एक आ, ये चीज़ की एक झोला लेके यू नो चलने वाला इंसान है hmm. अगर उस चीज से हम बाहर निकाल के ले आते हैं ना तो आप आर्ट को बहुत ग्रोथ देते हो मेरे पास जब आज बच्चे आते हैं स्टूडेंट्स के जब पेरेंट्स आते हैं hmm. और लड़कियों के पेरेंट्स आते हैं तो मैं उनको यही चीज बोलती हूँ मैंने मुझे याद है कि मेरे जो स्टूडेंट्स जो मैं जिस जैसे एक बच्चे के बारे में बता रही थी आ, विवेक जो के एफ पे काम कर रहा है अब आप देखिए कि वो जब आया था मेरे पास में तो जो उसके पेरेंट्स थे वो काफी नर्वस काफी घबराए हुए थे क्या, हो कि क्या होगा ठीक है मेरे हमारे तो जी चार बच्चे हैं हम कैसे उनकी देखभाल करेंगे क्या होगा पर आ, वो डॉक्टर्स इंजीनियर से ज्यादा कमा रहे है क्या तो आ, जब आप आर्ट फील्ड को वो बूम दे पाते हो ना कि आर्टिस्ट वो नहीं है जो झोला लेके घूमेगा टाइम बदल पेंट सर आप पेंट तो कभी भी कर सकते हो वो अभी भी पेंट कर रहा है अभी भी वो आ, कभी भी सैटरडे संडे में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अप्लाइड से किया शायद इसीलिए मैं आज आई डब्ल्यू एस की मैगजीन की एडिटर हूँ मैगजीन डिजाइन कर पा रही हूँ मैगजीन पे काम कर पा रही हूँ सर और मैं दोनों

तो एक्चुअली आप सबसे ज्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं ठीक है मुझे तो याद है कि मैंने जब कॉलेज में फर्स्ट एड बनाया था वो एक बियर बॉटल का एड था और मुझे रियलिस्टिक बियर बॉटल बनानी थी पेंट करके अच्छा राइट क्योंकि चौकसी पे काम होता था हाँ, और हम लोग रियलिस्टिक ड्राॅइंग करते थे अगर नलके का एड है तो नलका रियलिस्टिक होना चाहिए बियर का तो है तो बियर रियलिस्टिक करते थे उसके बाद उसको स्कैन कर दिया फोटोशॉप में बाद में एडिट करना सीखा था अच्छा ठीक है कॉलेज में फोटोशॉप उस वक्त नहीं फोटोशॉप वक... था उस था। वक... अच्छा। मेरे टाइम पे फोटोशॉप था और फोटोशॉप कोरल में ही मैंने सारे अपने कैंपेन्स करे कॉम्प्लेंट uh, पे कैंपेन किया था, आई स्टिल रिमेंबर मेट्रो पे, काफी सारे कैंपेन्स थे। तो कॉलेज में साथ ही साथ करते हुए आपको बाहर से भी काम मिलने लग गया एनीटूंस के अलावा? Uh, नहीं मैंने, हाँ मैंने uh, क्या नाम है, इल्यूस्ट्रेशंस करी। जी चिल्ड्रेन बुक इलास्ट्रेशन मुझे बहुत पसंद थी आ, उस वक्त काफी और आ, आ, बच्चों की बुक्स बनाने के लिए और मुझे लगता है सब कॉलेज ऑफ आर्ट और जामिया के गेट के बाहर आके खड़े हो जाते हैं आ, और उनको पता होता है स्पेशली से तो सर मुझे बोलते थे कि भाई मेघा एक्सप्लॉयट मत हो तो <laughs> 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 तो क्योंकि इलास्ट्रेशन के साथ क्या होता है और सच में भी ऐसा होता है अच्छा। कि आपसे वो तीन बुक के कवर्स बनवा लेंगे और आपको उन्होंने बोला कि भाई ये दो पास नहीं हुए ये पास हुआ है और वो तीनों को यूज कर रहे हैं ठीक है exactly. ये हिंदी ग्रामर की बुक पे काम कर लिया ये uh -huh. आप समझ रहे हैं आप... तो, तो हो जाता है बट उस समय सीखने की इच्छा सीखने की ललक इतनी ज्यादा होती है कि आपको लगता है कि इट्स ओके यार जो हो रहा है होने दो काम मिल रहा है मुझे रहो? काम करना है हाँ. तो वो वो भूख बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे ये लगता है कि हम लोग तब बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं थे जैसे आज के स्टूडेंट्स हैं है मेरे, हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं या कहीं पे भी मुझे ऑल ओवर मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा है शायद टाइम भी चेंज हो गया है नीड्स बदल गए हैं हम लोगों के नीड्स बहुत बहुत सिंपल थे Minimum. मुझे याद है कि मेरे क्लास में बच्चे रबड़ के चप्पल पहन के भी आते थे hmm. निजामुद्दीन पे पूरी रात स्केचिंग कर रहे हैं ठीक है नहीं था किसी को भी हम में से किसी के पास फोन नहीं था क्योंकि उस समय फोन था ही नहीं थोड़े टाइम के बाद आया है आई थिंक फोर्थ ईयर में जब मैं थी तब शायद सबके पास वो बटन वाले शुरू शुरू में फोन आ गए थे गया तो बट फोन नहीं था मुझे याद है हम साइबर कैफे में जाके एड्स बनाते थे अच्छा। कंप्यूटर नहीं था और आई थिंक दस रुपए में पंद्रह रुपए में साइबर कैफे एक घंटा बैठ के आप वही एड बनाते थे पेन ड्राइव में निकालते थे अगले दिन जाके प्रिंट करवाते थे प्रिंट के ऊपर सर मार्क करते थे अच्छा ना? कि इसको फॉन्ट को बड़ा कर दो इसको छोटा कर दो फिर साइबर कैफे जाते थे फिर, फिर वो प्रोसेस रिपीट होता था एंड इट वाज वेरी टफ आज सब कुछ लैपटॉप पे होता है वेरी क्विक वेरी फास्ट ठीक है और तब भी बच्चे टूट जाते हैं मैं रोहिणी से जामिया ट्रेवल करती थी काफी दूर तीन बसेस बदल के सब तो फ्लाई ओवर भी नहीं थे, तो थे, थे। <laughs> <laughs> ठीक है और ढाई पौने तीन घंटे कॉलेज जाने में लगते थे ढाई hmm. पौने तीन घंटे आने में लगते, लगते पार साढ़े पांच बजे तक उर्दू की क्लास खत्म होती थी और नौ बजे तक मैं घर पहुंचती थी उर्दू मैंडेटरी था वहाँ पे सीखना फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में अच्छा एज एन लैंग्वेज सब्जेक्ट में पर मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी डिस्टिंक्शन आई थी मैंने टॉप किया था उर्दू में हिस्ट्री ऑफ आर्ट में टॉप किया था उर्दू में टॉप किया था तो पढ़ने में तो आप से थे पहले से लिखने वाँ वाँ तो पढ़ना मुझे पसंद था तो मुझे लगता है कि वो एक काफी अच्छी चीज थी जामिया के साथ association मुझे बहुत अच्छा वो शायद मेरे दिन के आज भी बहुत क्लोज है इसीलिए मैं जब काम करती हूँ तो मैं जगजीत सिंह सुनती हूँ तो फैज गालिब क्या बहुत बहुत कुछ दिया जामिया ने शायद कोई और कॉलेज उस तरीके का एसोसिएशन नहीं दे पाता hmm. आ, जो जामिया ने मुझे दिया क्योंकि yeah. उसने मुझे पोइट्स से इंट्रोड्यूस करवाया hmm. और क्योंकि वहाँ पे अक्सर जब हम बात करते थे hmm. तो टीचर स्टूडेंट सबके बीच में वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहता है ah, बिल्कुल नहीं इतना ज्यादा नहीं पर मेरे को पढ़ने का शौक शायरी और गज़लें मैं पहले से भी सुनती थी 11, ट्वेल्थ से सुनती थी hmm. तो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया और अभी भी बहुत पाकिस्तानी ड्रामास देखती हूँ <laughs> 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 तो मुझे लगता है क्योंकि वो और शायद ये चीज़ की कॉलेज में अरजान होती थी भगवान से थोड़ा क्लोज एसोसिएशन शुरू से था hmm. तो वो एक चीज़ भी मुझे लगता है कि काफ़ी और ज़्यादा क्लोज़ हो गई क्या वाना? आ, किन किन को पढ़ते हो आप लाइक अभी अभी भी मैं तो भी जॉन आलिया जॉन आलिया साहब हाँ फैज ऑफकोर्स गालिब कोई पसंदीदा शेर उनका आपको याद हो हर एक बात पे कहते हो तो कि तू क्या है अरे वाह तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है क्या बात है क्या जौन? बहुत सारे हैं बहुत सारे आ, ये गाने का शेर है बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें क्योंकि शायद वो एसोसिएशन कहीं और से नहीं मिल पाता और मुझे लगता है कि आर्ट पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप हर तरीके से आर्ट को समझ पाते हो जी तो और बहुत गहरा नाता आपका डेवलप हो जाता है आप लिखते हो बन हाँ कभी कभी पोइट्री लिखते लिखती हूँ पर मैं नहीं शोकेस करना चाहती हाँ लिखते हो एज एन आर्टिस्ट हमें आर्टिस्ट कहीं ना कहीं और चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहता ही है ना कि वो पेंटिंग के साथ साथ फिर वो आ, गाना भी अच्छा गा देगा शायरिया भी अच्छी कर लेगा और भी चीजें तो आप शायरी अच्छा करती थी लिखती थी बेसिकली सुनाया तो खैर आपने गाती हूँ लिखती हूँ गाते भी अच्छा हो क्या बात है जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन की वजह से मैंने भी काफी वेट पुट ऑन कर लिया आपने भी कर लिया तो अभी आपकी डाइट क्या है क्योंकि अब टाइम आगे के वापस बैक करना अपने आप को अच्छा ऐसा हाँ। <laughs> और एक ग्लो जो है आपके बेस पे उसका क्या राज है सच बोलना बिल्कुल सच बोलना है। नहीं अच्छा आ, आपको सच ग्लो का राज हाँ। ग्लो का राज यही है कि जी। अंदर से साफ जी क्लीन ठीक है किसी के लिए कोई मैल नहीं और बस सिंपल रहो सीधे रहो Hmm. कोई जरूरत नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं है मैं कोई कुछ भी मैंने अपने फेस पे लगाया नहीं है लिपस्टिक लगाई है क्योंकि आज स्प्रिंग जाना था, अच्छा था। uh, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं मेकअप ना करूँ hmm. और सिंपल uh, रहूँ क्योंकि मुझे लगता है एसेंस ही हुई है exactly. मेरी माँ ने तो पूरी जिंदगी कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाई अगर आप उनको देखोगे तो वो पूरी लाइफ सिर्फ शिल्पा की एक बिंदी लगाती थी पूरी लाइफ मैं yeah. पेरेंट्स मीटिंग में भी जाती थी तो hmm. उसी तरीके से जाती थी मतलब मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है रियल तो ब्यूटी आ, ब्यूटी आ, मुझे लगता है अंदर होती है अंदर होती है, होती है बिल्कुल और मैं खुद भी किसी को किसी की एक्सटर्नल अपियरेंस से जज नहीं करती hmm. मेरे लिए खूबसूरत होना इज कि आप अंदर से कैसे हो आप कैसे बात करते हो वो बहुत जरूरी है हाँ आपका व्यक्तित्व तो मैटर करता है बिल्कुल मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी पेंटिंग इतनी खूबसूरत हो कि लोग ना देखें मुझे तो hmm. बस मेरी पेंटिंग देखे अच्छा क्या बात है क्योंकि आर्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है नहीं है मार्ट है नहीं है ठीक है।, है।, <laughs> है मतलब है ना जो चीज़ आप छोड़ के जाते हो वो uh, आपकी जो चीज़ आप छोड़ के जा रहे हो hmm. वो आई थिंक वो आगे आने वाले लोगों को uh, अगर कुछ दे पाती है hmm. तो बहुत अच्छी बात है बाकी uh, मुझे लगता है जो भगवान ने बनाया है हम वही हैं हम कुछ भी नहीं है लेकिन मैम आर्टिस्ट जरूरी है ना अगर आर्टिस्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी तो आर्टविस्ट कैसे निकलेंगे क्रिएटर तो वही है क्रिएटर एक ही है आ, वैसे क्रिएटर एक ही है लेकिन यही चाहती हूँ कि मेरा काम इतना खूबसूरत हो बिल्कुल कि लोग यही बोले कि यार आर्टिस्ट तो खूबसूरत ठीक ही है पर भिल्कुल. काम बहुत खूबसूरत जैसे अभी आपने बोला की आर्टिस्ट का काम इतना खूबसूरत होना चाहिए की उनकी नजर आर्टिस्ट से पहले काम किया जाए

देख रहे हो या अलग अलग चेहरे देख रहे हो mm. तो मैं जब अकेले में बैठती थी तो वही चीज़ें मेरे दिमाग में रिवॉल्व करती थी चा. और आ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था सच बताऊ क्योंकि जब मैं आ, आ, और ये मैं बता रही हूँ पहले की ही बात कि आ, जब मैं एज ए स्टूडेंट एक्सप्लोर कर रही थी mm. और जब रात को सोती थी तो वही चीज़ें दिमाग में घूमती थी फूल कोई बनाना सोच के स्टार्ट नहीं किया था पर जब एक टाइम ऐसा आया कॉलेज से निकलने के दो तीन साल के बाद आ, मेरा बेटा बॉर्न हुआ ईशान बॉर्न हुआ जी। और आ, उस समय में फिर ऐसा हुआ कि पेंसिल से बहुत एसोसिएशन था मेरा क्योंकि एनिमेशन कर रही थी तो से तो एट्थ मंथ तक मुझे याद है जो ईशान होने वाला था मैं लाइट बॉक्स पे बैठी थी मतलब मैं लाइट बॉक्स पे ड्रॉइंग्स कर रही थी फिर उसके होने के बाद ऑफकोर्स जब छोटा भी होता है तो इतना आपके पास काम होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है तो कैसे शुरू के सिक्स मंथ्स निकल गए और uh, मुझे याद है कि एक दिन मैं अपनी पेंशन को बैठ के देख के रोती थी मैं और स्केचबुक बुक उठा के उसी को ड्रॉ कर रही हूँ ईशान को ड्रॉ कर रही हूँ और यंग भी थी तो आई वाज आई थिंक ट्वेंटी थ्री तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि अरे यार काम मतलब काम यार काम नहीं कर पा रही बिकॉज एक यंग एयर्स ना बहुत ज़्यादा एंशियस याजम हो जाती कि यार काम करने का टाइम था ये तो काम करने का टाइम था फिर मैंने डिस्कवर किया डेली पेंटिंग डेली पेंटिंग डेली पेंटिंग तो मुझे याद है कि ईशान दो साल का था ईशान जब बॉर्न हुआ फर्स्ट बर्थडे पे मैंने सर से बोला कि मुझे डिजिटल कैमरा चाहिए फॉर्चूनेटली ईशान का और मेरा बर्थडे सेम मंथ्स में होता है <laughs> तो तो मैंने सर को बोला कि मुझे डिजिटल कैमरा चाहिए क्योंकि क्य। फोटोग्राफी करनी थी मुझे तो मैं उसी को फोटोग्राफ करने लग गई जब उसने ईयर आया तो मैंने लैपटॉप बोला था, तो था कि मैं, मुझे नहीं कुछ करना है। तो में करने स्टार्ट है, अच्छा। और तब डिस्कवर किया डेली पेंटिंग डेली पेंटिंग क्या था कि उस समय फॉरन में अब्रॉड में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो छोटी छोटी डेली पेंटिंग, देली पेंटिंग। देली पेंटिं चाहे वो इतना सा कैनवस बना रहे हैं मतलब आठ बाय आठ ठीक है दस बाय दस छोटे छोटे कैनवस छः बाय छः छोटे छोटे स्टिल लाइफ्स क्योंकि क्या था उस समय दिमाग में क्या था कि यार मैं बाहर नहीं जा पा रही मैं स्केचिंग नहीं कर पा रही मैं काम कैसे करूं सही बात जब डेली पेंटिंग्स देखने लगी तो मैंने देखा कि यार बाहर जाने की जरूरत ही नहीं प्याज रखा है सामने ठीक hmm. है तो मैंने मुझे याद है कि मेरी ब्लॉग पे पहली पेंटिंग जो मैंने डाली थी दो प्याज जैसे बैठे हुए रूट के। और मैंने इसका नाम दिया था टू टू एंग्री एंग्री अनियंस अनियंस तो मैंने फिर एवरीडे चीजों को किचन की चीजों से नहीं। एक स्टोरी क्रिएट करने स्टार्ट करती तो जब मैं में पेंट करती थी वो सिर्फ स्टिनलाइस नहीं थे नहीं। सपोज आ, मैं घर में अकेली हूँ बाकी लोग कहीं चले गए तो मैं अपने बुके को उस तरीके से अरेंज करती थी कि एक फूल अकेला है वो है मेरे दिमाग में दूसरों के लिए वो ने कुछ और है मेरे लिए कुछ और है तो मेरा हमेशा परसेप्शन ऐसा रहता था जब कभी भी मैं फूल खरीद के लाती थी और घर पे लगाती थी hmm. और वो काफी टाइम तक रहते हैं और एक बहुत अच्छा सा एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाता था और जब उनको पेंट करने लगी

सब में क्या तो वो आ, उसका मज़ा और और शायद वो कभी सामने भी भी नहीं नहीं मुझे कोई शौक भी नहीं है क्योंकि जो लोग लोग मुझे जानते हैं कुछ कुछ... हैं कुछ 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 उनके लिए भी भी होना होना चाहिए। चाहिए सब जो जो मेरे पर आ रहे ऐसा सिर्फ उनको मिले जो मेरे नजदीक है उसमें लिखा है desire for more positive positive experience is is itself a negative experience and paradoxically the acceptance of one's negative experience in itself a positive experience to go man aap acha ye shayad kisi book क्योंकि मैं actually नहीं, नहीं जाऊँ आप वो अपनी लाइफ कोई जैसे ही नहीं करते मैं कोई भी किताब जब पढ़ती हूँ ठीक है तो उसमें जो भी आ, चीजें मुझे अच्छी लगती हैं मैं एक नोट टू सेल्फ बना के उसको डाल देती क्योंकि हर चीज आप अपनी आंखों के सामने नहीं रख सकते बिल्कुल ठीक है तो द डिजायर फॉर मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज क्योंकि जब हम डिजायर करते हैं कोई भी हम जरूरत से ज्यादा जब डिजायर करते हैं ना कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो मुझे मुझे सिर्फ अच्छा ही अच्छा मिलता रहे अच्छा ही अच्छा मिलता रहे ये खुद ही एक नेगेटिव चीज है जब हम इस संतुष्टि में आ जाते हैं या इस चीज का संतोष हमें हो जाता है कि जो मिल रहा है ना उसकी तरफ से okay. वो सब अच्छा तो अरे हाँ हाँ क्योंकि तो जब हम तो ज्यादा जा, डिजायर करते हैं हाँ. मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए तो मुझे लगता है कि जब हम संतुष्ट होना सीख जाते हैं ना दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या बात तो

Uh, मैंने कोई डेस्टिनेशन अपने लिए तय नहीं की है अच्छा। हाँ बट मैं ये जरूर सोचती हूँ कि हमेशा सोचती थी कि जब मैं इस ईयर फेबर uh, में अभी मैं फोर्टी की हो जाऊंगी अच्छा कहानी पढ़ी थी बहुत साल पहले कि जो बाज होता है uh, वो अपने जब चालीस साल में पहुंचता है तो वो अपने सारे पंख उतार के के। और नोच के खुद के सारे पंख तोड़ के हटा देता है और फिर एक नया जन्म लेता है आगे। आगे। हाँ कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और सच में मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं ग्रो हुई हूँ मैं ज्यादा वाइज़र हो गई हूँ आपको समझ तब आती है आपको आ, समझ तब आती है जिंदगी है क्या एक्चुअल में जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो बिल्कुल शुरू में बीस साल में बहुत छोटे होते हो सब कुछ चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए और बहुत सारी डिमांड्स होती हैं तो मुझे लगता है कि मैं बस यही चाहती हूँ भगवान से कि Uh, मैं संतुष्ट हो जाऊं, संतुष्ट होना सीख जाऊं और हर हाल में खुश होना सीख जाऊं। आई थिंक यही मुझे चाहिए और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ये अचीव करना है मुझे आर्ट में भी क्योंकि आर्ट मुझे लगता है खुद अपने आप में एक ब्लिसफुल उसने हमें आर्टिस्ट बनाया ये अपने आप में इससे बड़ा कोई बिलिस नहीं है exactly. इससे बड़ी कोई खूबसूरती है ही नहीं मैं अपने हर दिल को enjoy कर सकती हूँ hmm. मैं हर दिन स्टूडियो में चीजें अरेंज करती हूँ अगर फ्रूट्स में oranges हैं मेरे बैग में एप्पल्स हैं yeah. तो मैं उन्हें ही अरेंज करती हूँ उन्हीं को लगाती हूँ मेरी जिंदगी वही है मेरी यही मेरी जिंदगी है फूल खुशबू स्टूडेंट्स मेरा स्टूडियो काम काफी और रोज पेंट करना आई थिंक यही जिंदगी है मेरी और मुझे बहुत ज्यादा कोई डिमांड नहीं है जो भगवान ने दिया है वो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है मैं उसके भी काबिल नहीं थी मुझे यही लगता है मैम जैसे इंडिया में आप काम करते रहे सीखते रहे तो जितना थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि आप बाहर भी गए काम करने के लिए तो वो अपॉर्चुनिटी जब फर्स्ट टाइम आई तो वो एक्सपीरियंस रहा आपके लिए बाहर तो मैं सर के साथ आ, नेपाल में एक फेस्टिवल हुआ था तब गई थी शुरू में जी Uh, फिर मैं थाईलैंड भी गई सर के साथ बट uh, वो प्राइवेट वर्कशॉप थी सर की पर जब मैं पहली बार uh, वियतनाम गई hmm. वो मेरा पहला uh, फॉरेन में डेमो था डेमोन्स्ट्रेशन था okay. हाँ. that, that. Uh, hmm. और के के साथ मेरी पेंटिंग लगी थी जिनको मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही थी जब हमने म्यूजियम में एंटर किया मैंने सामने देखा कि आ, मेरी पेंटिंग है साथ में अलवेर की पेंटिंग है नीचे पेंटिंग है उन्होंने स्पेशल सेक्शन बना रखा था तो वो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था और जब मैं डेमो दे रही थी तो वो डेमोन्स्ट्रेशन क्योंकि आपको कभी हैबिट नहीं है यहाँ पे तो खच 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 खच, खच कैमराज की आवाज इन उस उस समय और इतने सारे फ़ॉरेनर्स आपके आसपास और एवरीबडी सो मेनी क्वेश्चंस ठीक है वो सबका जो साउंड था वो कोर्स बहुत गुदगुदी हुई थी उस समय मतलब <laughs> बहुत ही एक शायद थी इसलिए ज्यादा भी क्योंकि वो एक

ऐसा लगा ही नहीं क्योंकि मैं रोज ही पेंट कर रही हूँ इनफैक्ट मुझे याद है कि कोरोना में आ, बहुत अजीब था मेरे लिए क्योंकि हमें आदत है कि जब मैं यूजली क्लास में पेंट ये भी मैंने क्लास में किया so, है ठीक है जितने यहाँ पे काम है यूजली जितने कामों को अवॉर्ड मिले हैं वो सब बच्चों के साथ क्लास में पेंट किया मैंने so. हर काम में ना इसलिए वो आ, उस ईयर के बच्चों की एक खुशबू होती है महक होती है वो जो है छत पटाहट और वो जो कि मैम आज आज आप क्या बनाने वाले हो वो तो वो एक्साइटमेंट यंग एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी uh, uh, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि वो जो एटमॉस्फेयर था मैंने कोरोना में बहुत मिस किया क्योंकि मुझे आदत है कि जब मैं काम करूँ तो मेरे आस पास बहुत सारे लोग तो जब है तब का काम कर रही थी तो मैं बच्चों और आप किसको बोलोगे आप कौन से बच्चे को कर किसको कि भाई मैं आपको मिस कर बहुत अजीब है ये तुम तो। और जब मैं यहाँ पे आती थी में जब आती थी और बीच में हम सामान लेने आते थे क्योंकि सारा सामान यहीं पर था आ, कार में आ रहे हैं दस मिनट के लिए और सारे कलर्स फटाफट डाले शीट्स निकाली और सब कुछ पैक किया और फिर चले गए और फिर दस पंद्रह के बाद जब वो स्टॉक खत्म हो गया तो, आए। तो वो बहुत अजीब था जब हम यहाँ आते थे तो मुझे स्टूडियो देख के रोना आता था मतलब मुझे लगता था यार इतने बच्चे इतना शोर और सडनली इतना सनलाता पर वही चीज है कि भगवान ने अच्छा है कि वो भी दिखाया क्योंकि हर चीज में जब आप हैप्पी होना सीख जाते हो हर चीज की पॉजिटिविटी जब आप

पर कभी भी सामने नहीं आया था आई डब्ल्यू एस तो टू थाउजेंड थर्टीन में सर जब ट्वेल्व या थर्टीन में सर जब गए दो हजार बारह में हमने स्टार्ट किया आई डब्ल्यू एस इंडिया दो हज़ार बारह में ही फेस्टिवल हुआ था थाईलैंड में तो सर वो फेस्टिवल अटेंड करने गए थे तो वहाँ पे आई डब्ल्यू एस के जो प्रेजिडेंट हैं एमस्टर अतन ओ uh, जो एक टर्किश हैं और कैनेडा में रहते हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और बहुत ही अच्छी लगी उनको ये चीज सर को बहुत अच्छी लगी कि ऐसी कोई सोसाइटी है जो वाटर कलर के ऊपर काम कर रही है hmm. और ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों को जोड़ने की जो का जो मिशन था really कि पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ना और उन सबके कामों को एक साथ लगा हुआ देखना यह अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग सा एक चीज़ लगती है कि यार आप पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक साथ अगर एक प्लेटफॉर्म पर ले आओगे तो वो कैसा लगेगा तो जब ने उनको बोला कि आ, इंडिया में ये चीज है पर एक्टिव नहीं है बिल्कुल तो फिर उन्होंने कहा कि अगर अमित तुम काम करना चाहते तो मैं ये रिस्पांसिबिलिटी तुम्हें देना तो बड़ा मुश्किल रहा होगा सबको कलेक्ट करना तो बस फिर सर ने आ, आ, मतलब सर आए वापस उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया और हमने 2013 में एक फ्री एग्जिबिशन करी और शो किया मतलब डेमोस्ट्रेशन रखे Uh, हमेशा से फ्री ही रहा है 2015 में फिर हमने पहला अपना बिनेले ऑर्गेनाइज किया जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 500 हंड्रेड टू सिक्स आर्ट वर्क लगे थे हुए, से आएफिक्स में, आएफिक्स पहला भी जो हमने किया था वो इंडिया इंडिया के लोगों का था जी। और डेमोस्ट्रेशन सर की और मेरी हुई थी दो हजार आ, आ, के अंदर और 2015 में हमने अपना पहला बेनाल किया जो की जिसमें कि हमने बाहर से आर्टिस्ट को भी बुलाया बिल्कुल बाहर से आये थे उस समय तीस से चालीस आर्टिस्ट फॉरेनर्स आए थे।, थे और इंडियंस थे बहुत सारे अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड इंडियन आर्टिस्ट थे और सबके डेमोन्स्ट्रेशन फ्री डेमोन्स्ट्रेशन फॉर एवरीबडी कॉलेज ऑफ आर्ट के बच्चे मैं के काफी सारे लोग जिनको भी पता चला उन्होंने वहां पे आके वो डेमोन्स्ट्रेशन एंजॉय किए और काफी सक्सेसफुल इवेंट था और तब ही बहुत सारे ब्रांड के लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं जी एसोसिएट हुए हमारे साथ मुझे पूछना भी था क्या आई uh, थिंक इन ब्रांड से साथा भी काम हां मिजिलो के साथ मैं मिजिलो की ब्रांड एंबेसडर हूँ hmm. मिजिलो मिशन गोल्ड इट्स अ कोरियन ब्रांड जी और uh, बहुत अच्छे वाटर कलर्स हैं बहुत फ्रेश पिगमेंट्स हैं जो मेरे फ्लावर्स के चेंज होने का जो रास था दैट वाज uh, इनके रेड्स इनके पिंक्स इनकी इनकी वाइब्रेंसी कलर्स की इतनी ज़्यादा है कि सडनली आपको बहुत बहुत अच्छे से पॉप मिलता है और मैं हमेशा फूल्स को बोलती हूँ कि अगर सैचुरेटेड है आपके कलर्स तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप सबको मिक्स करके ग्रेस तो लगा दोगे बट अगर आपकी अगर ही ग्रेव है तो सैचुरेटेड कैसे बनाओ मशीन तो सैचुरेटेड अगर हाई है तो उसको डिसचुरेट किया जाता है मिक्सिंग के थ्रू तो इसीलिए बहुत अच्छा था ये बहुत सारे ब्रांड्स एसोसिएट हुए एस्कवाडा आया बहुत सारे लोग आए यहाँ पे और उसके बाद फिर हमने 2017 में अपना सेकंड फेस्टिवल किया फिर 2019 में हमने ओलंपियाड किया अच्छा जिसमें कि ओलंपिक्स आर्ट का और अगर आप देखोगे तो आपको YouTube पे ओलंपियाड करके एक वीडियो मिलेगी जिसमें आप देखना आई में प्रोग्राम हुआ था ये और आठ अप्रिशिएट मतलब बहुत, बहुत किया कि हमने ओलम्पिक्स आपने आर्ट का करके दिखा दिया अमित जी का दिमाग इज लाइक वो जब तो खुद सोच लेते है तो फिर वो करके ही उस चीज को दम लेते हैं तो मुझे लगता है की ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हम कर पाए हम क्योंकि आर्ट की सीन में ओलंपिक्स करने का आज तक किसी ने सोचा नहीं इंडिया क्योंकि आमिर है सबसे बस ये हमारी इच्छा थी कि हम आर्ट ओलंपिक्स अगर हमने सोचा है तो हम इंडिया में करेंगे सबसे पहले अभी कुछ और फ्यूचर प्लान्स हैं कि कुछ ऐसा कर हाँ हम इसी साल दिसंबर में सेकेंड ओलंपिक्स करने वाले हैं क्या बात है और वेन्यू डेट्स वगैरह वो सब कुछ आपको पता लग जाएंगी कुछ ही महीनों में और हमने सोचा है कि हम रियल गोल्ड रियल सिल्वर के अवार्ड्स रखेंगे आ, हाँ। के लिए और बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे यहाँ से वाटर कलर्स की वजह से आप इनफैक्ट जितने लोगों को आप देखते हो चाहे वो पंजाब से हैं चाहे वो महाराष्ट्र से हैं जितने आर्टिस्ट को आप जानते हैं आ, वो सभी यहाँ पे आके उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है वाटर कलर्स के अंदर आप 2015 का फेस्टिवल उठा के देखिए और सभी एक दूसरे से मिल इसलिए पाए बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना सभी को मिलने के लिए एग्जैक्टली

एवरी uh, डे हम काम करते हैं यहाँ पे hmm. और बस एक ऐसा कॉलेज ड्रीम किया था जहाँ पे कि जो भी चीजें हमें नहीं मिल पाई या जो भी चीजें हमें लगी कि जो एड हो जानी चाहिए hmm. और स्पेशलिटी यहाँ की बस यही है कि हम कोशिश यही करते हैं कि जो स्टूडेंट्स एवरीडे आके हमारे साथ काम कर रहे हैं hmm. उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज लेता है हम उनको प्लेसमेंट्स दिलवाते हैं हर एक बच्चे की जॉब लगती है और जब तक तो जॉब नहीं लगती तब तक वो कॉलेज से नहीं जाता अच्छा इसी आप इसकी गारंटी है क्या बात मतलब हर एक बच्चे का क्योंकि हमारे साथ एसोसिएशन है मतलब ऐसा नहीं है कि चाहे वो स्कूल कोई स्कूल के लिए जॉब करना चाहता है तो बहुत सारे बच्चे मेरे अभी भी के में हैं जो पढ़ा रहे हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैंने बताया आपको आर्ट एजेंसीज में काम कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउसेज में काम कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और कोशिश यही होती है, है क्योंकि देखिए सर के और मेरे भगवान की दया से बहुत सारे लिंक्स भी हैं बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स हैं जो आज क्रिएटिव हेड्स आर्ट डायरेक्टर्स एजेंसीज में सबसे टॉप लेवल पे क्योंकि उनको बहुत सालों हो गए बिल्कुल और आज जो वेलीडोस के बच्चे निकलते हैं तो फिर एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हमारा हम नहीं। आपने बच्चों के लिए, लिए उस करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे बड़ी सहूलियत भी दे दी उन बच्चों के पेरेंट्स को कि में भी करियर exactly. आप इजनी बना लोगे लोगेक्टली आप आगे सर्वाइव क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जिन बच्चों ने किया है अभी जैसे हमारे टेंटी में बैच के बच्चे निकले तो हर बंदा काम नहीं कर रहा सबको उतना काम नहीं मिल रहा मुझे नहीं पता कि ये मार्केट में कितना ज्यादा काम है हमारे यहाँ पे अभी प्रेजेंटली फोर्थ फोर्थ ईयर ईयर का जो प्रेजेंट चल रहा है क्योंकि इंटर्नशिप ईयर होता है प्रेजेंट फोर्थ ईयर का एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि कहीं काम नहीं कर रहा अच्छा क्या बात है तो आ, कई बार तो कुछ तो ऐसे भी है मेरे पास जो थर्ड ईयर में भी स्टूडेंट्स निकल गए और थर्ड ईयर में ही जॉब लग गई उनकी उनके कैंपेन रेडी थे जो बच्चा एक्टिव है जो इंटेलिजेंट है और जिसका काम रेडी है तो मैं उनको बोलती हूँ प्लस टू सोशल मीडिया बी हैंड्स है LinkedIn है hmm. uh, मैं uh, पूरी कोशिश करती हूँ कि सबका पोर्टफोलियो वीडियो फॉर्म में बनवाऊ रील्स बनवाऊ उनको बोलती हूँ सर खाती हुस इतना खाना पड़ता है आपको भाई बी हैं तुम्हारा फोलियो नहीं है uh. तुम तो अपडेटेड नहीं हो ये भी हो मेरे से ज्यादा वो अपडेटेड रहे uh. यही मेरी uh, क्योंकि मुझे अभी yes, कोई एज जॉब की नीड नहीं है राइट तो उनका अपडेट होना इज़ वेरी वेरी जो एक्सपीरियंस मैं ले रही हूँ बाहर से hmm. जैसे मैंने कॉलेज में डूडल एड्स नहीं किए थे hmm. मेरे स्टूडेंट्स को मैं डूडल एड्स करवाती हूँ उस समय इन्फोग्राफिक्स नहीं होते थे मेरे स्टूडेंट्स को मैंने इन्फोग्राफिक्स करवाए हैं hmm. उस समय मोबाइल कवर्स नहीं बनते थे मोबाइल थीम्स नहीं बनते थे hmm. मैंने अपने स्टूडेंट्स को साइनजिस्ट करवाए हैं मोबाइल थीम्स करवाए हैं हम किसी सपोज uh, हम किसी मॉल में जाते हैं वहाँ पे आप देखते हो साइनेजेस हैं हर जगह फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ठीक है फीडिंग रूम दैट रो ठीक है बनवाती हूँ तो मैं हमेशा अपने आप को बाहर भी अगर uh. मैं जाती हूँ अब वहां पर मैंने ट्रेन में कोई साइनज देखा या वॉशरूम के अंदर कोई साइनेज देखा तो मैं पिक्चर क्लिक करती हूँ और आके मैं स्टूम्स को दिखाती हूँ कुछ नया दिस इज डिफरेंट

So, तो जब आप सुबह उठते हो वहाँ पे तो पांच बजे के आसपास आपको मंदिर के बाहर सारे फूल वाले बैठे हुए मिलेंगे हाँ। और वहाँ पे उन्होंने बहुत ऊँचा दर्जा दिया है अगर ऑटो के अंदर भगवान जी हैं, तो वो उस पर फूल चढ़ाते अरे और हर इंसान सुबह फूल खरीदता है वहाँ पर चाहे वो एक और आप देखेंगे कि बहुत सस्ते में आपको इतने फूल मिलते हैं अरे तो कोई पानी के अंदर उसको सजा के अपने भगवान के आगे रख रहे हैं अलग अलग कस्टम्स हैं अलग अलग चीज़ें हैं आ। और फूलों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है उन्होंने और आ, यहाँ पे भी हिंदू कम्युनिटी है बट वहाँ पे मुझे ध्यान की इम्पोर्टेंस स्पेशली बहुत ज़्यादा फील हुई मैं जब भी मंदिरों में जाती थी आ, मैं सुबह उठ के एवरी डे वहाँ पे चार बजे पाँच बजे निकल जाती थी किसी न किसी मंदिर को एक्सप्लोर करना और मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने देखा बहुत डिफरेंट चीज़ें देखी मैंने कि वहाँ पे कोई ध्यान पे बैठा हुआ है और वो मेडिटेट कर रहा है जो कि यहाँ पे मुझे टेंपल्स में वो फीलिंग नहीं नहीं मिलती और मैंने सोचा था कि शायद आ, कोई ऑफेंसिव नहीं होना चाहती मैं बट अच्छा। साउथ में क्या होता है कि ज़्यादा पैसे लेकर या इस तरीके से आप मंदिर में एंटर कर सकते हो अच्छा अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे जैसे मैं उड़ीसा गई थी कॉलेज ट्रिप पे ही गए थे हम लोग तो हम बच्चे थे हमारे पास पैसे भी नहीं थे तो उन्होंने हमें भगवान के दर्शन भी नहीं करने दिए कि आप पहले ये टोकरी लीजिए हजार रुपये की या समथिंग की फिर ये आप दर्शन कर सकते हैं बट थैंकफुली चेन्नई में ऐसा नहीं था चेन्नई में सब कुछ आ, अगर आप सुबह पाँच बजे उठ के आप जा रहे हैं तो पंडित जी आपको बहुत अच्छे से रिसीव करेंगे और हर कोई वहाँ पे और जो लोग आ रहे हैं मंदिर में भी वो सिर्फ पूजा करके घंटी बजा के जा नहीं रहे वो वहाँ ध्यान पे बैठे हैं और उनको बहुत अच्छे से इस चीज का ज्ञान है कि जब तक मैं ध्यान में नहीं बैठूंगा जब तक मैं समाधि भी लगाऊंगा तब तक मैं भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता तो ये काफी अच्छा लगा मुझे उनको लगाने का रिवाज है वहाँ पे जो भी वो एक और भी चीज़ लगाते हैं नहीं कुमकुम -कुम की तरह ही राख राख तो उसका भी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इंसान जैसे नष्ट हो जाता है ठीक है तो ये इम्पोर्टेंस है जो कि आज की जनरेशन को मुझे भी नहीं पता था कि आ, कोई भी अगर लगा रहा है तो क्यों लगा, 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 लगा रहा है तो वो हर इंसान का ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ एक दो लोग लगा रहे हैं मैक्सिमम जो जनरल पॉपुलेशन है वो लोग लगा हाई रिच सोसाइटी का मुझे नहीं पता बट मैं जैसे अगर किसी दुकान पे जा रही हूँ तो लोगों ने रिक्शे वाला इंसान है कोई भी है तो किसी ने कुमकुम लगाया हुआ है किसी ने ऑटो के अंदर हर इंसान भगवान के ऊपर सुबह सुबह फ्रेश फूल ला के तो आप ऑटो पर है तो आपको स्मेल आ चाहिए आप वो खुशबू आती है कि यार और उस इंसान को बहुत अवेयर है वो कि मतलब भगवान है मेरे तो सुबह सुबह वो नए फूल खरीदेगा हर दिन वो उस चीज़ पे स्पेंड करने को कोई एक्सपेंडिचर नहीं समझ रहे एक्सपेंडिचर नहीं है उनके लिए और ये अपने आप में एक फ्रेशी एक्सपीरियंस है और मैं फूल बनाती हूँ तो मेरे को ऐसे लोगों के बीच में जाकर और आ, किसी ने ऐसे नहीं सोचा था शायद मैं कि मैं वो कोई उनकी रेवती करके कोई एक्ट्रेस हैं शायद अच्छा। आ, कोई पुरानी फिल्म्स में आती होंगी तो वही मैं उनकी तरह लग रही हूँ तो मैंने फिर उनको जो मेरे साथ में ऑर्गेनाइज़र थी अमृता उन्होंने शी हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोर उनका बहुत अच्छा स्टोर है वहाँ पे तो आर्ट स्टोर आर्ट मटीरियल स्टोर उन्होंने ही वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करवाई थी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उनको कि नहीं अ पेंटर और फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप अपनी पेंटिंग दिखाओ पर आ, आ, वो अपनी लैंग्वेज जो है अमृता को बता रहे थे और अमृता ट्रांसलेट करके मुझे बता रही थी तो वो एक इतना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था hmm. कि आपको हमारा चेन्नई कैसा लगा और बहुत अमेजिंग दे 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 एक होता है, कि आप रहे है पर आ, वो मैं उनके सामने एक के क्या ही पाए पर वो मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि किसी ने आपको दिखाने से ज्यादा अच्छा था क्योंकि उन लोगों के लिए उत्सुकता थी उसको जानने की बिल्कुल कि मैं क्या बनाती क्या बनाते हो इनको फूल दो क्योंकि ये तुम्हारे फूल पेंट करेंगे तो फिर बोला कि अच्छा पेंट करती है दिखाओ कि तो क्या पेंट करती हो तो फिर देंगे तो आ, वो जो चीज़ थी कि उत्सुकता कि भाई क्या बना देंगी तो फिर जब दिखाया तो बहुत खुश थे वो कि हमारी छोटी सी चीज़ जो शायद एक दिन में खत्म हो जाएंगी ये उसको प्रिजर्व कर सकती है मैंने इसी तो लाइक बोल रही कि आप अभी पेंटिंग में फूलों को एक नई उम्र अता करती हो उनको नई उम्र देती हूँ वो तो कभी खत्म नहीं होंगे अब ये पेंटिंग आज हमने देख लिए बाद में जाएंगे तब भी ये पेंटिंग ऐसी रही। लेकिन तो पूरी अभी ये देखेंगे तो बाद में बुझा जाएगा तो ये आपके अंदर बहुत अच्छी खूबी है लेकिन आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन कौन है आर्टिस्ट तो मुझे काफी सारे पसंद है इम्प्रेशनिस्ट से मैं शुरू में बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हुई आ, क्योंकि मेरे जो खुद के आर्ट टीचर थे आ, मिस्टर उनका इम्प्रेशन से बहुत ज़्यादा लगाव था जी आ, और आप उनका काम देखेंगे के कश्मीर के ऊपर उनकी सीरीज हैं बहुत सारी वो भी आ, सोच के ही बनाते हैं ज्यादातर और कोई रेफरेंस नहीं होता ठीक है तो वो इम्प्रेशन वे में ही कैप्चर करते हैं तो बेसिकली इम्प्रेशन ऑफ कलर्स तो आ, मैं भी मोने माने रेनोयर इन सबको मैंने बहुत स्टडी किया है इनफैक्ट mm. शायद मैं एक टाइम पे सच में सोचती थी कि मैं गिवर नहीं जाऊंगी फ्रांस जहाँ पे मोने ने अपना लोटस कॉर्न बनाया था और या, मैं ज़रूर उसको पेंट करना चाहती हूँ देखना चाहती हूँ ऐसा सोचती थी mm. बाकी आ, फ्रीडा कालो आ, जो एक मैक्सिकन आर्टिस्ट mm. है बहुत साल पहले उनकी मूवी देखी थी और बहुत ज़्यादा इंस्पायर गई थी उसको देख के और जितनी पेन में उन उस आर्टिस्ट ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और जिस तरीके से काम किया और जो पैशन था काम की तरफ और एक्चुअली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैप्चर करना और अपने आप को कैप्चर करना अपनी पेंटिंग में वो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए बना रहे हो आ, लोग मुझे कुछ साल पहले बोलते थे अफकोर्स पोर्ट्रेट्स बना सकती हो अफकोर्स मेरे मेरे स्टूडेंट्स को तो पता ही है जो जिनके साथ मैं रोज़ काम कर रही पर बाहर वाले लोग लोग अरे यार लोगों को लगता है कि शायद ये फोन इसलिए घर में बहुत सारे रोज प्लांट है uh. मेरे को एसोसिएशन है उससे uh. वो ऐसा नहीं है कि मैं डिजाइन की तरफ फोन को बना रही हूँ और जब तक वो एसोसिएशन ही होगा आपका अगर मेरे को आप देखोगे कि मैंने पोर्ट्रेट बनाए हैं Uh, मैंने अपने बेटे के ऊपर एक सीरीज करी थी कोरोना में अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे भी तो आपको ईशान के बहुत सारे uh, पोर्ट्रेट्स मिलेंगे क्या बात स्केचेस मिलेंगे पेंटिंग्स uh, मिलेंगी वाटर कलर में और ऑयल में भी अच्छा उसके बचपन की कुछ पेंटिंग तो वो इसीलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस चीज से मैं एसोसिएट नहीं कर सकती बिल्कुल ठीक है उसको बनाने का कोई फायदा नहीं फायदा नहीं है जनाट इस कनेक्टिविटी होनी चाहिए सभी कनेक्टिविटी नहीं है मेरे इस तो क्यों बनाऊंगा हुआ जब मुझे कोई स्किन नहीं हो रही है राइट। तो राइट तो वो जब तक फीलिंग नहीं आएगी उसी तरीके से अमृता शेरगिल जिनको हम इंडियन फ्रीडा भी कहते हैं इंडियन फ्रीडा कहते हैं अमृता प्रीतम एक पोएट हैं वो जाती वो हां मैं तेनु फेर मिलांगी बिल्कुल सही पकड़े हैं <laughs> <laughs> आ, बिल्कुल आ, तो आ, ऐसे बहुत सारे लोग गालिब mm. uh, uh, मतलब मुझे लगता है कि कोई कोई आ, ऐसी बाउंड्री नहीं है आर्ट में मेरे लिए mm. कि आ, यही मुझे पसंद है वो हर इंसान जिसने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से फील किया और जो अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा क्या बात मुझे कोई मटेरियलिस्टिक चीज पे काम करना सच बताऊँ तो बिल्कुल नहीं पसंद मैं वही चीजें चाहती जो मेरी ज़िंदगी से एसोसिएटेड है जो जीती जागती चीज़ें हैं जिनमें खुशबू है, जिनमें है, जिन रंग हैं जिनमें वो ही मैं पेंट करना चाहती हूँ जो मैं सुनती हूँ पोइट्री अगर मेरी पेंटिंग्स गालिब की याद दिलाएँगी जगजीत सिंह की याद दिलाएँगी खुशबू होगी उनमें भगवान की तो वो किसी को भगवान के पास लेके जा पाएंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मेरा कोई नहीं है और जब मैंने पेंट करना स्टार्ट किया था तो मैं घर पे अकेली थी ईशान के साथ हाँ। मैं थी वो फेज था पेंट करने का तो ये तो और मैं अप्लाइड आर्टिस्ट थी कैसे लेती थी मैं बहुत महान पेंटर बन जाऊंगी मैंने सिर्फ पेंट करने के लिए पेंट करना स्टार्ट किया okay. पेंटिंग तो कभी अभी भी mm. आप के अंदर तो स्टूडियो दिखाती हूँ आप मैं अगर खत्म होगा पॉडकास्ट mm. तो दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरे स्टूडियो में फूल होते हैं अभी भी है फूल अभी भी है ऐसा नहीं है कि मैं

हम शांति निकेतन गए हुए थे शायद तो बहुत होता। बहुत सो मच And... so आपने इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें शुक्रिया आपका uh, तो बहुत अच्छी कोशिश है ये ओवरला स्टूडियो की अरबाज की सौरभ की और मुझे लगता है कि आपको ये जरूर जरूर देखना चाहिए पॉडकास्ट मेरे खुद के भी बहुत फेवरेट है मैं रनबीर अलाबादी अगर आप जाते हो तो मैं उसका पॉडकास्ट बहुत अच्छे से सुनती हूँ फॉलो करती हूँ uh, वे आर बाई सी हिंदी वाला भी रणबीर का और मुझे लगता है पॉडकास्ट uh, इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी अवेयरनेस आना और हमेशा से मैं चाहती थी कि आठ पे कोई पॉडकास्ट क्यों नहीं कर रहा तो अभी कर रहे हैं तो भी उनको सपोर्ट करूँ थैंक यू सो मच एवरी वन आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा Thank you.